भावनाओं के बिना अपने विचारों और शब्दों से आप अपनी लाइफ को नहीं बदल सकते, तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। ये आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचा देती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज कंप्लीट बुक समरी। आज का ये वीडियो दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक द सीक्रेट की राइटर रोंडा बर्न की किताब द पावर पर आधारित है। राइटर रोंडा बर्न ने इस बुक में बताया है कि इस ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आप जो चाहें वो पा सकते हैं। उनका कहना है कि ये शक्ति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। रोंडा बर्न के अनुसार, अगर आपने शक्ति का इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप मनचाही दौलत कमा सकते हैं, अच्छी सेहत हासिल कर सकते हैं और अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। ये शक्ति एक जादू की तरह काम करती है जो आपका पूरा जीवन बदल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहराऊंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, व्हाट इज द पावर। जीवन बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके जीवन में सिर्फ दो तरह की चीजें होती हैं, पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें। आपकी लाइफ में हर फील्ड में, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो, आपके रिलेशनशिप्स हो या फिर आपकी सुख शांति हो, ये सभी चीजें या तो पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। आप या तो सेहतमंद हो सकते हैं या बीमार हो सकते हैं। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकता है। आपके रिश्ते या तो बहुत अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें कम और नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। शायद आप उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से लाइफ में हर चीज अच्छी मिलती है। प्रेम ही वो शक्ति है जिसकी वजह से आपको लाइफ की सभी पॉजिटिव और अच्छी चीजें मिलती हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान फिलोसोफर और लीडर ने प्रेम को महान बताया है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन बातों के पीछे छिपे असली मतलब को नहीं समझ पाए। यहाँ प्रेम का मतलब सिर्फ अपने परिवार वालों और दोस्तों से प्रेम करना नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है, बल्कि ये एक पॉजिटिव शक्ति है। दरअसल प्रेम ही हर पॉजिटिव और अच्छी चीज की बुनियाद है। प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको एक नियम के बारे में जानना होगा, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम इस ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पर लागू होता है। दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति ही प्रेम की शक्ति है। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं पॉजिटिव हैं, तो आपको लाइफ में पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। वहीं अगर आपके विचार और आपकी भावना नेगेटिव है, तो आपको लाइफ में नेगेटिव चीजें ही मिलेंगी। आप जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपकी लाइफ की हर सिचुएशन और हर एक्सपीरियंस वैसा ही होता है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ फीलिंग्स। जिस पल से आप पैदा हुए हैं, उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई फीलिंग या भावनाएं हमेशा रही हैं। भावनाओं के बिना अपने विचारों और शब्दों से आप अपनी लाइफ को नहीं बदल सकते। बिना भावनाओं के आपके विचारों में शक्ति नहीं होती। दिन भर में आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बेकार होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके अंदर किसी तरह की भावना उत्पन्न नहीं होती। अपने विचारों और शब्दों को एक रॉकेट की तरह समझें और अपनी भावनाओं को ईंधन समझें। बिना ईंधन के रॉकेट नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट ऊपर उठता है। इसी तरह भावनाओं के बिना आपके विचारों और शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। लाइफ की दूसरी चीजों की तरह ही भावनाएं भी अच्छी या बुरी हो सकती हैं। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं और सभी बुरी भावनाएं प्रेम की कमी से उत्पन्न होती हैं। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं और जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। दूसरी ओर, आप जितना बेहतर महसूस करते हैं, आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर होती जाती है।
जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावनाओं और नेगेटिव विचारों को एक साथ रखना संभव नहीं है। आपकी लाइफ की हर चीज भावनाओं से जुड़ी है। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा महसूस होता है। और आप अपनी लाइफ में जो नहीं चाहते वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप उसे प्रेम नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर, आप अच्छी सेहत इसलिए चाहते हैं क्योंकि सेहतमंद रहने पर आप अच्छा महसूस करते हैं और बीमार होने पर आप बुरा महसूस करते हैं। इसी तरह आप पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि आप अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकें जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वो भी आपसे प्रेम करती हैं और आपकी लाइफ में आना चाहती हैं। लेकिन अपनी मनचाही चीजों को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको अच्छी भावनाएं रखनी होंगी। चैप्टर 3, फीलिंग फ्रीक्वेंसीज। संसार की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है और बुरी भावनाओं का मतलब ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है। आपकी भावनाएं जैसी होती हैं आपकी फ्रीक्वेंसी भी वैसी ही होती है और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती चीजों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप खुश महसूस कर रहे हैं तो आपकी खुशी की फ्रीक्वेंसी खुशी से जुड़ी चीजों, लोगों और घटनाओं को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। वहीं अगर आप डर महसूस कर रहे हैं तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी डर से जुड़ी चीजों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। जब आप किसी सिचुएशन के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार बदलना ही पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। बहुत से लोग प्रेजेंट में नहीं जीते बल्कि वो फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आज आप जैसा जिएंगे आपका फ्यूचर भी वैसा ही होगा। आज आप जो महसूस करते हैं वही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो चीज है जो आपके फ्यूचर को तय करती है। जब आप अच्छी भावनाओं का चुनाव करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देती है कि आपको यकीन ही नहीं होता। चैप्टर 4, द पावर एंड क्रिएशन। राइटर रोंडा बर्न कहती है कि अपनी मनचाही चीज पाने की एक प्रोसेस है जिसमें 3 चीजें शामिल हैं। पहली, कल्पना करें। आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। ये सोचें कि वो मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। दूसरी, महसूस करें। अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम महसूस करें और ये महसूस करें कि अपनी मनचाही चीज मिल जाने पर आपको कैसा लगेगा। उसी तरह की फीलिंग को महसूस करने की कोशिश करें। तीसरी, प्राप्त करें। जब आप सच्चे दिल से कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए अपना काम शुरू कर देती है और अलग अलग घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके ये आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचा देती है। आप लाइफ में चाहे जो बनना चाहें, करना चाहें या पाना चाहें, क्रिएशन यानी सृजन की प्रक्रिया एक जैसी रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। ये याद रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि आप जो भी देते हैं आप वही पाते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को किसी आईने या फोटोकॉपी मशीन की तरह मान लें तो आप इसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिस तरह किसी आईने में ठीक वही चीज दिखती है जो उसके सामने होती है और फोटोकॉपी मशीन में आप जो डालते हैं उसकी हूबहू कॉपी आपको मिलती है, ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में आप जो देते हैं आपको वही मिलता है। जब आप पॉजिटिव और अच्छी चीजों की कल्पना करते हैं और इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं तो असल में आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। चैप्टर 5, फीलिंग इज क्रिएशन। फीलिंग्स या भावनाएं आपके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। ये चुंबकीय क्षेत्र हर इंसान के चारों ओर होता है, इसलिए आप जहां भी जाते हैं
ये चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ही आप अपनी लाइफ में हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बड़ा और शक्तिशाली बनता जाता है। जब भी आप प्रेम देते हैं तो हर बार आप अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं और कई गुना कर देते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपके आसपास प्रेम की चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज्यादा होती जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हर मनचाही चीज आपके पास आ जाती है। दरअसल ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जो सोचते हैं वो बहुत बड़ा है, इसलिए उनके लिए उसे हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन ये नजरिया सरासर गलत है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी या मुश्किल है, तो असल में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से ये कह रहे हैं कि ये चीज इतनी बड़ी है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें बहुत टाइम लगेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। इस बात को हमेशा याद रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। आपकी इच्छा या मन चाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें, क्योंकि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी एक इच्छा बिंदु की तरह ही होती है। चैप्टर 6, लाइफ फॉलोज यू। आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं, उसी से आपकी लाइफ तय होती है। लाइफ आपके सामने हर चीज पेश करती है ताकि आप अपनी मनपसंद चीज चुन सकें। आपकी लाइफ का पर्पस है प्रेम करना और खुश रहना। अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में बुरी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं, उनके बारे में सोच सोच कर आप अपनी लाइफ के पर्पस से दूर भटक गए हैं। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते, उनके बारे में ना सोचें और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। राइटर रोंडा बर्न कहती हैं कि आप अपनी कहानी खुद लिख रहे होते हैं। आप अपनी अच्छी या बुरी जैसी भी कहानी लिखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम उसी को सच कर देता है। आप जो भी चाहते हैं उसकी कल्पना करें और आपको जीवन में वही सब वापस मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रेम करें और अच्छा महसूस करें। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते, उनमें से किसी को भी अपनी लाइफ की कहानी में शामिल ना करें। जिन चीजों से आपको प्रेम है, सिर्फ उन्हें ही रखें। अगर आप सिचुएशन का शिकार होने और अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहेंगे, तो वही सारी चीजें आपकी लाइफ में बार बार आती रहेंगी। इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि आप दूसरों के जितने इंटेलिजेंट नहीं हैं, दूसरों की तरह अट्रैक्टिव नहीं हैं, तो ये बात आपके लिए सच साबित हो जाएगी। जब आप प्रेम की शक्ति को समझ जाते हैं और इसे अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो नेगेटिव भावनाएं, जलन, गुस्सा और गिल्ट, सभी चीजें अपने आप ही दूर चली जाती हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो दो और बातें मैंने द सीक्रेट की बुक समरी कुकू एफएम ऐप पर सुनते हुए सीखी हैं, वो ये हैं कि पहला, ये पॉजिटिव एनर्जी ही पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करती है, और दूसरी बात ये है कि हम अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलकर जीवन में हर वो चीज पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तीसरी बात जानने के लिए आप कुकू एफएम ऐप इंस्टॉल कर द सीक्रेट की बुक समरी सुन सकते हैं। ऑडियो शोज ना सिर्फ हमारा टाइम बचाते हैं, बल्कि कुकू एफएम पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, और वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। यही नहीं, इन ऑडियो बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल डिस्काउंट का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 7, कीज टू पावर। राइटर रोंडा बर्न कहती हैं कि प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है शक्ति की चाबियों का इस्तेमाल करना। हर चाबी आपके भीतर की अपार शक्ति का ताला खोल देगी। पहला, द की ऑफ लव। अपनी लाइफ में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसा प्रेम करना होगा जैसा आपने पहले कभी नहीं किया। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है।
और वो सब आपके भीतर है। जब आप लाइफ से प्रेम करने लगते हैं तो हर बंधन और हर सीमा गायब हो जाती है। आप हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करें, अपनी मनपसंद चीजों के बारे में सोचें और महसूस करें। जो आप नहीं करना चाहते उससे दूर रहने की कोशिश करें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर अपनी मनचाही चीजों और खुशियों से भर जाएगा। दूसरी, द की ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब भी आप ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप प्रेम दे रहे होते हैं। चाहे आप किसी को धन्यवाद दे रहे हों, अपनी नई कार, नए घर या छुट्टियों के लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हो, असल में आप उन चीजों के लिए प्रेम दे रहे हैं। इसका नतीजा ये होगा कि बदले में आपको ज्यादा खुशी, ज्यादा पैसा और ज्यादा अच्छे संबंध बनाने का मौका मिलेगा। जब आप अपने पास की चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, तो इसका परिणाम ये होता है कि वो चीज आपको ज्यादा मिलती है। अगर आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप अपनी खुशियों के लिए कृतज्ञ हैं, तो आपको और ज्यादा खुशियां मिलेंगी। दरअसल कृतज्ञता आपकी लाइफ की अच्छी चीजों को कई गुना तक कर देती है। तीसरी, द की ऑफ प्ले। लाइफ में किसी मोड़ पर हम बचपन की तरह खेलना और मजे लेना छोड़ देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बड़े होने के बाद हम जीवन को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं। जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आपकी लाइफ में अच्छी सिचुएशंस आती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ खेलें, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को ये पता नहीं होता कि ये आपकी कल्पना है या सच है, इसलिए आपकी कल्पना ही आपकी हकीकत बन जाती है। चैप्टर 8, द पावर एंड मनी। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें पैसे से प्रेम है, लेकिन अगर उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो इसका मतलब है कि पैसों के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। दूसरी ओर, अगर किसी के पास उसकी जरूरत के हिसाब से पैसा है तो इसका मतलब ये है कि पैसों के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी हैं। अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते। अमीर लोग पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखते हैं, जबकि बाकी लोग पैसों के बारे में बुरी भावनाएं रखते हैं। पैसे को अपने पास लाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज्यादा पैसा अपनी ओर खींच लेंगे। पैसे से रिलेटेड कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करें और उसे कई गुना बढ़ने का अवसर दें। जब भी आपके पास कोई पैसा आए तो उसके लिए कृतज्ञ रहें, चाहे पैसा कितना भी कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। इसी तरह किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। धन संबंधी अपनी भावनाओं को बदलने के लिए आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं और आपके पास उससे कहीं ज्यादा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। जब आप इस तरह से जिएंगे तो आपकी लाइफ किस तरह से अलग होगी, उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो आप करेंगे और आप कैसा महसूस करेंगे। जाहिर सी बात है कि आप अलग महसूस करेंगे। आपके पास मानसिक शांति होगी और आप खुश होंगे। आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी। आपको इसी भावना को पकड़ना होगा। ये धन के प्रति प्रेम की भावना है और यही पैसे को चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखती है। चैप्टर 9, द पावर एंड रिलेशनशिप। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं। कोई व्यक्ति आपका दोस्त या दुश्मन है। आप जिस भी इंसान के कॉन्टैक्ट में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। आप सिर्फ लोगों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करके ही अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। इतिहास के महान विद्वानों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कही कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें, असल में वो हमें जीवन का रहस्य बता रहे थे, यानी कि वो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के बारे में बता रहे थे। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तब आपको वैसी लाइफ मिलती है जिसके आप हकदार हैं। अगर आप दूसरों के प्रति दयालु और कृतज्ञ रहेंगे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये कई गुना होकर आपके पास लौटेगा। वहीं अगर आप दूसरों पर गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं या दूसरों से जलते हैं तो ऐसी नेगेटिव भावनाएं कई गुना होकर आपके पास लौटती हैं।
कुछ लोग सोचते हैं कि कोई रिलेशनशिप सामने वाले इंसान के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन प्रेम की शक्ति इस तरह से नहीं सोचती। आप प्रेम की शक्ति से ये नहीं कह सकते कि मैं तभी प्रेम करूंगा जब सामने वाला मुझसे प्रेम करेगा। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप उसे पहले खोद ना दें। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीता जाता है, और ये एक शाश्वत नियम है। चैप्टर 10, द पावर एंड हेल्थ। ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्वस्थ होने का मतलब है बीमार ना होना, लेकिन स्वस्थ होना इससे कहीं ज्यादा है। सचमुच हेल्दी होने का मतलब है छोटे बच्चे जैसा महसूस करना। अगर आप बच्चों को गौर से देखें तो पाएंगे कि वो हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं। उनका शरीर हल्का फुल्का और लचीला होता है और वो हमेशा खुश रहते हैं। कई लोगों में सेहत के बजाय डर की भावनाएं ज्यादा होती हैं। मेडिकल फील्ड में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। आपकी हर भावना आपकी शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं या जब आप प्रेम देते हैं तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। वहीं जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती हैं तो तनाव की वजह से आपके शरीर की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और सांसें तेज चलने लगती हैं। तनाव, चिंता और डर जैसी नेगेटिव भावनाओं के कारण आपके शरीर में बीमारियों का जन्म होता है। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही अच्छी हेल्थ मिल सकती है। जब आप किसी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आपके हेल्थ की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन जब आप किसी चीज के प्रति अच्छा महसूस करते हैं तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति बढ़ जाती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना बढ़ जाती हैं। इसलिए हर दिन अपने हेल्थ के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छी सेहत नहीं खरीद सकते, इसलिए सबसे बढ़कर अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ रहें। अपने शरीर में दोष खोजने के बजाय इस शरीर के लिए कृतज्ञ रहें। आप जो भी खाते हैं उस खाने से प्रेम करें और उसके प्रति कृतज्ञ रहें। जब आप खाने के प्रति कृतज्ञ रहते हैं और इसे धन्यवाद देते हैं तो खाने की संरचना बदल जाती है और इसका आपके शरीर पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग और हर समस्या को खत्म कर देती है। चैप्टर 11, द पावर एंड यू। दुनिया में हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, हर जानवर और हर इंसान की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपकी लाइफ में आती हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुश रहते हैं तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, घटनाएं और सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं। वहीं अगर आप हमेशा चिंता और तनाव महसूस करते हैं तो आप उसी तरह की चीजों को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ और कुछ नहीं, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपकी लाइफ में काम कर रहा होता है। इस संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है और वो है प्रेम की शक्ति। आप दुनिया में जितनी भी नेगेटिव चीजें देखते हैं ये हमेशा प्रेम की कमी का ही परिणाम होती हैं। दुख की कोई शक्ति नहीं होती, दुख तो सिर्फ खुशी का अभाव है और सारी खुशी प्रेम से उत्पन्न होती है। बीमारी की कोई शक्ति नहीं होती, बीमारी तो सिर्फ स्वास्थ्य का अभाव है और सारा स्वास्थ्य प्रेम से उत्पन्न होता है। प्रेम ही लाइफ की पॉजिटिव शक्ति है और हमेशा प्रेम की कमी के कारण ही हर नेगेटिव सिचुएशन पैदा होती है। जब लोग नेगेटिव रहने की बजाय बहुत सारा प्रेम देने लगेंगे तो आप देखेंगे कि नेगेटिविटी इस दुनिया से बहुत तेजी से गायब हो जाएगी। चैप्टर 12, द पावर एंड लाइफ। किसी के दुनिया छोड़ने के बाद आप उसे नहीं देख पाते हैं। इसका एकमात्र कारण ये है कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते, जैसे कि आप अल्ट्रावायलेट किरणों को नहीं देख सकते। मरने के बाद इंसान प्रेम की जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है वो संसार की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। याद रखें कि आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं, इसलिए अगर कोई ऐसा है जिसे आप अभी नहीं देख सकते तो उसे आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर महसूस जरूर कर सकते हैं। आपकी लाइफ का पर्पस खुशी है और लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे और लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। अपने जीवन में आप एक ही चीज दे सकते हैं
और वो है प्रेम। जब आप प्रेम देंगे तो बदले में आपको इतना ज्यादा प्रेम और आनंद मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे और यही वो एकमात्र चीज है जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं। इस लाइफ में अगर आप पॉजिटिविटी को चुनते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रेम दे रहे हैं और इस पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी हर मनचाही चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके भीतर ही इस ब्रह्मांड की महानतम शक्ति है और इससे आपका जीवन अद्भुत बन सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। प्रेम ही वो शक्ति है जिसकी वजह से आपको लाइफ की सभी पॉजिटिव और अच्छी चीजें मिलती हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं पॉजिटिव हैं तो आपको लाइफ में पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। आज आप जो महसूस करते हैं वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके फ्यूचर को तय करती है। पैसों को अपने पास लाने के लिए आपको प्रेम से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। अगर आप दूसरों के प्रति दयालु और कृतज्ञ रहेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये कई गुना होकर आपके पास लौटेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द पावर बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।